नमस्कार, मैं विलास उर्कड़े फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। दोस्तों, हम देश प्रदेश आपके जिले और आपके क्षेत्र से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते रहते हैं, तो आप हमारी खबरों को देखने के साथ साथ हमारे चैनल से सीधे जुड़ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस लाल बटन को दबाकर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। दोस्तों, हम आपके लिए नित्य प्रतिदिन ऐसी ही न्यूज प्रकाशित करते रहे, इसके लिए आप हमारे न्यूज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर वीडियो जब देखते हैं तो कमेंट कर हमें अपने सुझाव और अपने विचार जरूर साझा करें। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए निरंतर ऐसे ही न्यूज प्रकाशित करते रहेंगे, तो देखने के लिए बने रहे सुप्रीम पावर के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुप्रीम पावर की ताजा तरीन खबर की। पर महाराष्ट्र के गोंदिया से मेरे बेटे की हत्या के मामले में हो सीआईडी जांच, मंजू मेश्राम। कुछ दिन पूर्व उज्ज्वल मेश्राम की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके 8 आरोपी भंडारा जेल में हैं। तो वहीं मृतक की मां ने आज दिनांक 11 जुलाई को शाम 4 बजे शासकीय रेस्ट हाउस में पत्रकार परिषद लेते हुए आरोप लगाया कि और दो लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। मृतक की मां मंजू मेश्राम ने बताया कि मेरा देवर प्रशांत मेश्राम जो कई दिनों से फरार है, जिसकी जानकारी मुझे नहीं, मेरे बार बार बोलने पर भी पुलिस ने मेरे बेटे को पुलिस स्टेशन बुलाकर प्रताड़ित किया। और भी देखिए क्या कहा इस रिपोर्ट में। सुप्रीम पावर न्यूज़ के लिए महाराष्ट्र गोंदिया से सतीश पारदी की रिपोर्ट। बोला भी था उसने कि बोले आपने लड़के को यहाँ से उठा के लेके चले जाओ, बोले लेकिन उसका मर्डर हो जाएगा। तू मेरे को प्रशांत मेश्राम का एड्रेस लाके दो, बोले मैं कल्लू भैया से खातेदार रह के उसको क्या बोलते हैं कल्लू भैया से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम्हारा धंधा चालू कर। मेरे मम्मी पापा की उन्होंने कैसे क्या नहीं किया, उन्होंने हर चीज कर, रेलवे में गए हर चीज, उनका कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वो लोगों के पास में बोलते थे कि वो अपने चाचा को फाइनेंस करता है और फाइनेंस करता है और उसकी बेल लगाया। आप बताओ, 17 साल का बच्चा जो खुद अपने बाप को 100 रुपए मांगता था, पापा मेरे को 100 रुपए दो नाश्ता मंगाना, ये वो, कहाँ से उसको फाइनेंस करेगा। और हमको अभी तक अगर हमको कुछ पता रहता तो हम पीएम का पता नहीं बताते क्या, अपने भाई को मरने देते क्या। आज उनके वाइफ और भाई बोल रहे हैं अभी वो अनफिट थे, लगड़ाते कोर्ट जा रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं थी, वो बिल्कुल फिट था और बिल्कुल सही तरीके से वो कोर्ट जाके खड़े रहते थे। मेरे बेटे का मर्डर करके गए हुए हैं और पंकज यादव ने जब वहाँ से भवन से जब मेरे बेटे को मार रहे थे, भवन से फोन आया, उनकी पत्नी ललिता यादव कुमारी नगर की पार्षद है, वहाँ से उनको फोन लगाया गया था कि यहाँ पे मर्डर की बात चल, वार डिटेल मंगा। जैसे प्रशांत मेश्राम की हर वार डिटेल मंगाए गए थे, वैसे पंकज यादव की वार डिटेल मंगा कि उज्ज्वल मेश्राम के हाथ मर्डर के हाथ में किस चीज का हाथ है। हम ना तलवार से लड़ेंगे ना कोई चीज से लड़ेंगे, बस हम कलम से लड़ेंगे मेरे 17 साल के बेटे के लिए। उन्होंने भी बीच में मेरे भाई का मर्डर होने से पहले जागरण कराए थे, कल भी आ रहे थे घटाके फोन, उनको फाइनेंस किसने किया, लोगों को फोन करके धमकी देते हैं, उनके अलावा क्या प्रूफ है उनके पास में। और मेरे भाई को धमकी दे रहा था लोगों के जरिए से वो कि तेरे चाचा ने तो मारू उससे झगड़े वाले बंदूक से मैं लोगों की हत्याकांड करूंगा और अभी भी आपको धमकी मिल रही है। और उनके जो भाई बोल रहे थे कि मेरा भाई ऐसा, अभी सर खुद पे बात आई तो खुद की लिए भाई को बचाने के लिए खुद की बीवी खुद का भाई या खुद की भाभी बोलो, वो ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे कि हाँ मेरे पति ने सुपारी दिया था ऐसा थोड़ी। अगर उनके जगह हम भी रहते तो हम भी उनको सेव करते। हम मैंने भी उसको प्रिपरेशन करनी है, वो प्रिपरेशन कब करेगा, तो बोल बात करने का लहजा है उनका, मतलब तो उनके साथ में सेफ प्रोटेक्शन और हमारे साथ में आरोपी वाला बर्ताव करोगे हमारे। और उसको मारे भी कैसे, लाइट ग्रिप बंद करके, लाइट बंद करके, लाइट ऑफ करके मारना था तो घर से निकाल के लेके जाके मारना था ना, ऐसा नहीं कुछ दिनों वाला काम भी होगी 17 साल के बच्चे को मार के, ऐसा नहीं होता ना। हत्याकांड के बारे में आपका ऐसा कहना है, उस दिन से मैं उन लोगों का नाम ले रही हूँ, तो क्यों नहीं ये सब काम हो रहा है। महीना पहले ₹1,00,000 महीने की गौतमा डोंगरे के थ्रू, गौतमा डोंगरे के हाथ में मैंने दी,
हमारे घर के पीछे रही। वो गरड़ कर सर देखो सर, मैं अपने मरे हुए गौतम डोंगरेले माहित सर, गौतम डोंगरेले माहित डोंगरे गराड सर के क्लोज में मतलब उनसे बातें फोन पे करते क्या किए हमने अपने बेटे जाने के लिए क्या क्या नहीं किए, फिर भी कल्लू यादव ने उसकी जान को नहीं बचने दी। पत्रकार आपकी थी, पुलिस वाले आपके लिए हर चीज आप रोज मोर्चा निकाल रहा था, रोज था। आज कोई माँ ये नहीं चाहती कि अपने 17 साल के बेटे को निधन में ऐसे मौत की मौत में जाते हुए देखे, कोई अपनी माँ अपने देवर को नहीं बचा सकती, पर ये माँ ने कोई अपने देवर को बचाने के लिए अपने बेटे की गली छोड़ी देगी तो वो भी 17 साल के झूठी बातें करते कुछ भी।